कैसे लगा है यार हेलमेट, ये चेक करे। मैं इसकी बोल रहा था यार, जो लाइटिंग है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो गाइस यार, आज है छोटी दिवाली और यार आप सबको मेरी तरफ से हैप्पी छोटी दिवाली। और गाइस यार, अभी चल रहे हैं महाराणा प्रताप जो पुष्कर घाटी पे है, और वहां से मैं आपको जो अजमेर का भी दिखाऊंगा ना, वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और आप जब तक करो यार गाइस व्लॉग को एंजॉय। सामने देख रहे हो गाइस, फुल पटाखे फूट रहे हैं यार। मतलब जब छोटे थे ना तभी इच्छा होती थी यार पटाखे फोड़ने की, अब तो सीधा अनिल बम फोड़ने की इच्छा होती है। अरे भाई क्या बात है। और यहाँ पे चेक कर ले गाइस यार, हर जगह लाइटिंग हो रही है। और ये रूफ वॉच वाले और जो ये वेरी प्लस वाले भाई है, इनके पास भी सुबह जाके आया था, जो अपना आईफोन का काम था जैसे कि यार आपको बताया टकर का था, वो भी हो गया। और ये देख लो यार, यहाँ पे फुल पावर, मतलब लाइटिंग हो रही पूरे अजमेर में। अभी चलते हैं गाइस सीधा महाराणा प्रताप, और आपको न्यू चौपाटी का वहाँ का भी व्यू बताऊंगा। वो जो व्यू आ रहा होगा ना वहाँ का, वो नेक्स्ट लेवल आ रहा होगा अगर लाइट जल रही होगी तो। क्योंकि वहाँ पे पूरे, मतलब जो मैंने जो आज का व्लॉग देखा भी होगा आपने, उसमें पूरी जो अजमेर का जो सर्किल है, मतलब कि बोल सकते हो पूरी चौपाटी गोल, उसमें पूरी लाइटिंग लगती है। पिछले साल तो लगी थी और इस साल का पता नहीं, वो देखते हैं यार क्या सीन है भाई। कल का व्लॉग में दिखाऊंगा कि लगी है या नहीं लगी, और अगर लगी होगी ना गाइस अभी दिखा दूंगा इस वाली चौपाटी की, तो जो न्यू वाली चौपाटी। और सामने देख लो गाइस यार, फुल पावर मतलब लाइटिंग हो रही है। और गाइस लिटरली बता रहा हूँ यार, जो आप सपोर्ट कर रहे हो ना हर वीडियो पे, मैं बता नहीं सकता कसम से यार। स्टार्ट किया था ना तब इतने, मतलब 4-5 व्यू आ रहे थे, और अभी जैसे डालता हूँ ना व्लॉग अपना 8:30 भी आ रहा है, तो समझ के चलो। अरे भाई फुल पावर, चेक कर लो गाइस रिएक्शन भाई हो गए। तो गाइस जब डालता हूँ 8:30 बजे अपलोड होता है व्लॉग, तो नहीं मानते भी 1 घंटे में 50+ व्यू रहते हैं। और सुबह उठ कर देखता हूँ ना तो 150 क्रॉस ही रहते हैं। मतलब यार लिटरली गाइस यार बहुत अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हो, ऐसे दिखाते रहो। और गाइस अब सीधा मिलते हैं न्यू चौपाटी, और आप जब तक करो गाइस व्लॉग को एंजॉय। अब खिंचा मारते इंडिकेटर चल रहा भाई, इंडिकेटर चल रहा। ये चेक करे, मैं इसकी बोल रहा था यार जो लाइटिंग है वो हो गई होगी ना, तो एक नंबर दिखेगा। और आप व्यू चेक करो गाइस, नेक्स्ट लेवल व्यू आ रहा है। मतलब अभी तो थोड़ी बहुत बाकी होगी, और जो हुई है ना वो भी नेक्स्ट लेवल लग रही है, जैसे कि यार आप व्यू चेक कर रहे हो, मतलब फुल पावर। अब जो अजमेर का व्यू है मैं महाराणा प्रताप से दिखाऊंगा ना, तो आप तो बोलोगे सौरभ भाई यार आपने तो व्लॉग में मौज कर दी भाई, फुल पावर। मतलब देखो गाइस पूरी हो गई है। वैसे तो मैं भी शायद यार यहाँ पे पुलिस का बहुत डर रहता गाइस, लिटरली बताऊं, देखना अभी। अरे भाई अभी तो कोई नहीं, देख लो बचे हुए हैं, बिना हेलमेट जा रहा भाई फुल पावर। हर जगह से रिएक्शन आते, बस नाइट में दिखता नहीं है, क्योंकि यार दिन में होता ना तो उसका अलग ही सोच आता भाई व्लॉग बनाने का, और नाइट का तो मतलब अलग ही है, क्योंकि यार नाइट में फुल लाइटिंग वाइटिंग देख रहे हो यार, फुल पावर जल रही है। जैसे कि डिवाइडर है यहाँ पे चेक कर रहे हो, और कल दिवाली है, और मतलब मजा आ रहा है यार व्लॉगिंग में फुल पावर यार। अभी टाइम देख लो 7:30 हो गई है, और 1 घंटे बाद अपना न्यू व्लॉग आने वाला है। क्या पता रियल व्लॉग भी आपको कल देखने को मिल जाए, बट है ना सब लोग बिजी यार अभी दिवाली के चक्कर में, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार एक दिन छोड़ के एक दिन ही व्लॉग डाले भी। और गाइस वहाँ का व्यू चेक कर लो, वरना महाराणा प्रताप मतलब फुल पावर गाइस यार, मजा आने वाला है वहाँ का। आपको मैं व्यू दिखाऊंगा ना, तो बोलोगे सौरभ भाई मौज कर दी यार तुमने तो। और मैं भी यार ये रोड बन गई है, अरे भाई मजा आ गया, क्या बात है भाई। दिवाली के पहले पहले रोड बना दी, बताओ जरा यार इनने, मतलब ये रोड ना कभी ठीक ही नहीं है, बताओ जरा। और भाई यार आप सबके कमेंट भी आ रहे थे कि सौरभ भाई वॉइस सही नहीं आ रही है, बट यार मैं भी क्या करूँ यार, मैंने हेलमेट भी ले लिया, जैसे कि यार आपने ब्लॉग देखा होगा तो पता होगा जिन भाइयों ने देखा हो। और मतलब कैसे लगा है यार हेलमेट में, फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मुझे खुद को दुख होता है भाई। कैसे अच्छा यार पहले वाले हेलमेट ही सही था, और गोप्रो ले लेता अच्छा खासा 9 हीरो, वो 9 लेने का ही है अब तो यार, हीरो गोप्रो 9। तो अब देखते हैं कि क्या सीन है भाई, और वहां से चेक कर लो भाई फुल पावर है भाई, एक नंबर लग रहा है भाई फुल पावर, मजा आने वाला है यार वहां से आपको अजमेर का व्यू देख के। और भाई यार महाराणा प्रताप की फोटो देख रहे हो फुल पावर, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग हो रही है। मैंने कैसे कहा कि यार मजा आने वाला आपको व्लॉग में। और एग्जिट है यार यहाँ से, तो उधर से एंटर है तो वहीं से लेते हैं।
और गाइस यार इन सब के रिएक्शन देख लो, फुल पावर। चल आ जा आ जा। सो गाइस ये चेक करें यार, महाराणा प्रताप की फ़ोटो लग रही है यहाँ पे। मतलब जो अब आपको मैं यहाँ का व्यू दिखाने वाला हूँ ना, वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है। और ये देख लो यार, यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग हो रही है फुल पावर। तो गाइस यार यहाँ का व्यू चेक कर लो, फुल पावर मस्त हो रहा है यार। और ये देख लो, पिंक लाइट भी लग रखी है। कौन सी लाइट है जो भी आप देख पा रहे हो? अरे भाई अब उधर आगे चलते हैं। अरे हमारे मामा आ गए भाई। फुल पावर गाइस, हमारे जो रौनक भाई है वो भी मिल चुके हैं फुल पावर। हैप्पी दिवाली भैया। हेलो मैम। हेलो सर। अच्छा इधर क्या है, क्या जाने का है? इधर जाने का है क्या? हाँ तो भाई यार ये अपने रौनक भाई है, इनके किसी मिलने वाले का है। तो अब यहाँ से मैं आपको जो व्यू है वो दिखाता हूँ। तो भाई यार आप जब तक करें सिनेमैटिक शॉट्स इन्जॉय। तो भाई यार मैं भी आपको बताने वाला हूँ अजमेर का फुल पावर वाला सीन। और अभी ये चेक करें यार, जैसे कि आपने यहाँ का हल्दी घाटी का व्यू चेक किया, मतलब एक नंबर आ रहा था। और अभी भी यार देख लो, मतलब यहाँ पे फुल पावर लाइटिंग वाइटिंग हो रखी है जैसे कि यार आप देख रहे हो। और ये हल्दी घाटी यार अपना जो रौनक भाई है उनका ही है यहाँ पे। और यहाँ पे जरूर आना, मतलब यार बहुत बढ़िया यार ऊपर का व्यू भी यहाँ का। नहीं पता कि यार ये जो हल्दी घाटी ये कहाँ पे है, अपने महाराणा प्रताप है अजमेर के अंदर पुष्कर घाटी है इसके यहाँ पे। तो जरूर आना यार, और ये चेक कर लो यार महाराणा प्रताप। और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ यार गाइस, लिटरली मतलब मैं तो ऊपर जा रहा था और रौनक भाई ने बोला कि यार इधर आओ और यहाँ का व्यू चेक कर लो गाइस यार, फुल पावर इतना बढ़िया आ रहा है कि यार नाइट का जो व्यू है ना गाइस, लिटरली बता रहा हूँ इतना प्यारा है यहाँ का, बता नहीं सकता। और अब रौनक भाई से पूछते हैं कि क्या सीन है। रौनक भाई हल्दी घाटी है ना ये? जी जी सर। है ना? जी सर हल्दी घाटी है ना। अरे सर मत बोलो यार, अपन दोस्त ही है, प्रोफेशनल रहना पड़ता थोड़ा। अच्छा ऐसा सीन है। और यहाँ पे कितने साल हो गए इसको अपने? इसको सर ये पिछली दिवाली को ओपन हुआ था। हाँ इसको एक साल हो गया। एक साल हो गया। तो गाइस यार जैसे कि अपने रौनक भाई है वो बता रहे हैं कि यार एक साल हो गया यहाँ पे, मतलब लिटरली गाइस यार ट्रस्ट मी कि इतना बढ़िया है कि बता नहीं सकता। ऊपर का जैसे कि यार आपने व्यू देखा वो नेक्स्ट लेवल था। और अब रौनक भाई से मिलते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस यार अब ये व्यू चेक करो यार यहाँ से, मतलब एक नंबर आ रहा है। और ये महाराणा प्रताप है यार, अब देखो कितना प्यारा दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लिख भी रखा होगा महाराणा प्रताप। अपनी ये जो ड्रैगन है यहाँ पार के गाइस, ये भी चेक कर लो, इसके भी आज सर्विस करवाई है फुल पावर। अब चलते हैं वापस नीचे। अरे भाई 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 रौनक मामा की देख रहे हो भाई कितनी चलती है। भाई यार अपने जैसे रौनक भाई है ना, ऐसे भाई हो ना तो फुल पावर यार कहीं पे भी जाने देते, देखना भी नॉन स्टॉप चाहेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू, ओके रौनक भाई। तो भाई यार जैसे कि यार ऐसे रौनक भाई जैसे भाई होना तो फुल पावर सपोर्ट है यार, मतलब एक बार भी नहीं रोका, सीधा जाने दिया। और अब चलते हैं यार न्यू चौपाटी के, वहाँ से आपको जो व्यू दिखाता हूँ। लिटरली गाइस यार बताना कि ऐसा व्यू आपने अजमेर का जो है देखा है या नहीं देखा अभी तक, किसी ब्लॉगर ने दिखाया है नहीं दिखाया आपको मुझे बताना। और अपन अभी थे वहाँ पे, जो वो दिख रही है ना वहाँ पे थे ऊपर ऊपर। और मतलब गाइस यार रौनक भाई ने जैसे कि बोला कि यार कितने इज्जत से बात की, देखा ना कि सर सर बात कर रहे थे कि यार दोस्ती अपनी जगह और जहाँ मैं काम कर रहा हूँ या उनके जिनका भी हो वो बात अलग है। बट लिटरली गाइस यार बहुत अच्छा लगा यार दिल से। और अब चलते हैं मस्त, रे भाई 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 भाई, अब चलते हैं मस्त न्यू चौपाटी के, वहाँ पे आपको मैं व्यू दिखाता हूँ यार। तो वहाँ पे एक थैला है भुक्कर नाम से, बहुत फेमस है यार, अगर आओ ना तो लिटरली बता रहा हूँ उनकी कॉफ़ी पी ली ना तो समझ लेना कि भाई एक नंबर। अजमेर में तो पता नहीं बट वैशाली एरिया और मानसिंह पैलेस के उस साइड जहाँ मैं रहता हूँ उससे तो
बेटर कोई नहीं रहेगा जो बुक्कर कॉफी देता है, लिटरली गाइस ट्रस्ट मी। अभी चलते हैं और मैं तो हालांकि भाई जाके चाय पीता हूँ और हिमांशु भाई भारी आदमी थोड़ी कॉफी पीते है भाई फुल पावर। इनके पास क्या मोटा पैसा है, ये उनके दिवाली को ही जो लाइट है ना वो ही लगती है, बाकी नहीं लगती है ऐसे कि यार समझ रहे हो कि यार हर दिन आके फोटो खींचा के चल लूं। गाइस जो मैं यहाँ का व्यू दिखाने वाला हूँ ना वो नेक्स्ट लेवल होने वाला है, और अभी रुको एक सेकंड में आपको व्यू दिखाता हूँ यहाँ का फुल पावर एक नंबर होने वाला गाइस लिटरली। मतलब कि अभी तो मैं भी यार शायद पूरी लाइटें नहीं लगी होगी पूरी गोल पे, क्योंकि यार टाइम लगता है यार। देखो उस साइड लग भी रखी है जैसे कि आप देख रहे हो, उस साइड नहीं लग रखी है। और अब देखो यार यहाँ का व्यू, जो व्यू आ रहा है ना मतलब कंटिन्यू में लाइटें लग रखी है, चेक कर रहे हो ये देखो दूर दूर तक लाइटें दिख रही होगी आपको भाई। और गाइस यार ये है बुक्कड़ वाला जहाँ पे कॉफ़ी और टी एक नंबर मिलती है, तो यार यहाँ से एक बार ज़रूर ट्राई करना आपके भाई के कहने पे फुल पावर। ये अपने जो आई लव अजमेर इसके जस्ट सामने लगता है, तो ज़रूर ट्राई करना गाइस यार आपके भाई के कहने पे।